बच्चों कैसे हो। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया वास्तविक संख्या का जो यूक्लिड का डिवीज़न एल्गोरिथम और संख्या का जो थ्योरम था प्रमेय, वो दोनों चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। अभी जो हमारे पास चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास दसवीं की एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1, तो आइए आज हम लोग करते हैं दसवीं कक्षा का एक्सरसाइज 1.1 के पांच सवाल। पांचों सवाल को देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। जो बच्चे अभी टेंथ में गए हो, कहीं भी ट्यूशन पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, और जो मैं बताऊंगा, दोनों पे एक बार कंपेयर कर लेना, फिर मुझे कमेंट्स करना कि सर आपने क्या बताया। इतनी सरलतम ढंग से शायद ही तुम कहीं सीख पाओगे। तो आओ चलो कॉपी नोट्स उठा लो, कलम ले लो, और मैं जो बता रहा हूँ उसे अच्छी तरह से ध्यान से बनाओ और फिर सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो मैं दावा करता हूँ कि तुम पूरे के पूरे एनसीईआरटी की जो बुक है वो इतने अच्छे तरीके से कर पाओगे कि शायद कभी कर लो। और एनसीईआरटी की किताब तुमने अगर अच्छी तरीके से कर ली तो ये जान लो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में 100 के 100 नंबर पक्के, क्योंकि इससे बाहर के सवाल नहीं आते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, अभी जो सवाल है हमको मोबाइल में देखना पड़ेगा। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। देखो इसमें तीन सवाल हैं, एक्सरसाइज 1.1 का एक नंबर में तीन सवाल हैं। इसमें युग्म दिया हुआ है संख्या का 135 225 135 और 225, और दिया हुआ है तुम्हारा 196 38,220। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220, और तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारा 867 और 255। ये तीन सवाल तुमको दिया हुआ है और इसका तीनों का मोशन निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा। क्या बोलते हैं इसको, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो हम तुमको बताए थे कि हमारा जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ये एचसीएफ निकालने के लिए ही उपयोग करते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं एक नंबर का, कैसे करेंगे। संख्या क्या क्या दिया है, 135 और 225। मान लोगे, माना ए बराबर 135 एवं बी बराबर 225। अब लिखोगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या करोगे, 135 को a बराबर bq प्लस r, तो 135 बराबर bq प्लस r, तो हमारा बड़ा कौन है। देखो 135 और 225 में बड़ा 225 है और छोटा 135 है, तो सबसे बड़ी बात हम क्या करेंगे, यहां पे इसको b मान लेंगे और इसको a मान लेंगे, क्योंकि एल्गोरिथम जैसा कहता है वैसा ही लिखने में अच्छी बातें हैं, ऐसे कुछ भी मान सकते हैं, मानने के लिए हम फ्री हैं। तो 225 बराबर कितना हो जाएगा, 135 गुने 1, दो बार में तो 270 हो जाएगा, उतना तो आएगा नहीं, प्लस 90, ए बराबर बी क्यू प्लस आर आ गया। अभी क्या है कि ये 90 हमारा शेष बच गया, बराबर 90, 90 शेष को क्या लाना है, शेष को शून्य लाना है, तब तक जब तक कि तुम्हारा वो कटते ना रहे, एचसीएफ में फैक्टराइजेशन होते ना रहे। तो अभी हमारा 135 हो जाएगा, इसको किससे भागा दोगे, 90 से, 90 गुने 1 प्लस
45। अब तुम्हारा शेष यहां कितना बच गया, 45। अब जो ये 90 था इसको किससे भागा दोगे, 45 से। तो 45 गुने 2 90 प्लस 0, शेषफल कितना आ गया, 0। जैसे ही शेषफल 0 आ गया तो वहां पर देखोगे कि तुम डिवाइड किससे किए हो, किससे डिवाइड किए, 45 से, यानी एच सी एफ बराबर 45। तो इतना ही सरल सा सिंपल तरीका है इक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसी प्रकार से 196 और 38220 का भी कर सकते हो, इसको ए मान लोगे, इसको बी मान लोगे, 867255 का भी कर सकते हो, इसको ए मान लोगे, इसको बी मान लोगे, सॉल्व करके एचसीएफ इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो थी आसान सी बात यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो प्रयोग। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ध्यान रखना है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, धनात्मक विषम पूर्णांक, पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। q कोई पूर्णांक है अगर, तो वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में ही कोई धनात्मक विषम पूर्णांक यानी ऑड इंटीजर होगा। चलो मान लेते हैं कोई भी दो संख्या है a और b, या कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो किस बारे में, तो इक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम हम लगा देंगे। इक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से मान लेंगे, माना कोई संख्या ए है, ठीक है। तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम किस फॉर्म में कह रहा है, 6q+1, यानी ये कंफर्म है कि भाग 6 से दिया रहा है माना संख्या ए है, तो इक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार ए को क्या लिखोगे, 6q+5 ए लिख सकते हैं ना, नहीं लिखते, 6q+r इक्वेशन 1। अगर हम कोई संख्या ए है, ए को अगर 600 भाग दोगे, क्योंकि क्वेश्चन में 6 ही आया है, तो 6q+r, अब r क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 < 6, ये r होगा, यानी दैट इज r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, यही होगा ना, इसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा। कि हम कोई संख्या a मान लिए, तो इक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार ये संख्या 6q+r लिख सकते हो, जो r जो है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और 6 से छोटा होगा अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम जो पिछले क्लास में पढ़ा था। अगर नहीं पढ़े तो हमारे वीडियो में जाओ और उस प्लेलिस्ट में वहां पे सर 10th क्लास का जाके जाओ, उसमें परमेय संख्या में, सॉरी वास्तविक संख्या का जो प्लेलिस्ट है उसमें ये वीडियोस मिल जाएंगे, तो उसे एक बार देखो, पता चल जाएगा एल्गोरिथम क्या है, उसके हिसाब से ये फिर चीजें बार बार बताना ठीक नहीं है, दिक्कत होने से कमेंट्स करोगे, मैं फिर दोबारा क्लियर करूंगा। तो ए बराबर क्या क्या लिख सकते हो, 6q+0, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5। अभी जो a का फॉर्म होगा वो फॉर्म किसमें होगा, 6q+0, 6q, r इसमें से कोई भी हो सकता है, तो इतने फॉर्म में आएंगे। अभी 6q को क्या लिखोगे, 2 × 3q, तो कोई भी नंबर जो 2 का गुणज में है उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं, विषम तो बोलेंगे नहीं, इवन नंबर बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, इवन नंबर। और 6q+1 यानी 2 × 3q+1 ये क्या है,
सम है ना, ये सम है। सम प्लस वन क्या होता है? विषम यानी ऑड, यही आएगा। आगे चलते हैं, 6q प्लस 2 में 2 कॉमन ले लो, 3q प्लस 1 पूरा का पूरा 2 से गुना हो गया, यानी सम 6q को 2 इंटू 3q, 3 को 2 तो 2 पूरा कॉमन ले लो तो 1 प्लस 1 तो ये पूरा क्या है सम। इसमें 1 जोड़ेंगे तो विषम, फिर ये वाला 4 वाला को लेके चले तो 4 वाला में 6q प्लस 4 2 कॉमन ले लो, 3q प्लस 2 यानी सम, और इसको लेके चलो सेम 2 इंटू 3q प्लस 2 प्लस 1 यानी कि विषम। तो विषम में कौन कौन आया, एक ये आया, एक ये आया और एक ये आया, ये कौन है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर 6 संख्या A 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप में होगा जो धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये तो प्रूफ करना था, आपको 4 मार्क्स पक्का मिल जाएंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। तो इस तरह से आपको सिर्फ थोड़ा सा ये सोचना है कि हमको क्वेश्चन क्या बोला और निकालना क्या है, और वहां पर डिवीजन एल्गोरिथम में ये इसके बस इसके बारे में थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगा लेना है, और वो भी नहीं लगाना पड़ेगा अगर इस टाइप के 2-4-5-6 सवाल आप अपने से कर लेते हो तो। ठीक है, चलो अगले सवाल में चलते हैं। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी 616 टोटल सेना है और फ्रंट में जो है 32 आदमी रहेगा। ठीक है, टोटल कितना रहेगा 32 सेना फ्रंट में, और इसके पीछे आदमी लगते जाएंगे। टोटल नंबर कितना सोना है 616, यानी अगर इधर 32 और इधर मान लो n, यानी 32 गुने n लेस देन इक्वल टू 616 होना है। इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू 616 का मतलब क्या हुआ कि ये जो 32 तो इधर फिक्स कर दिया कि रो में 32 होगा, इधर कितना सॉरी कॉलम में 32 होगा, माने वर्ग जो इसकी ये है वर्ग है 32 होगा, तो 36 दिशा में यानी रो में मैक्सिमम कितना लाइन बना सकते हैं। तो आपके पास जो आदमी होगा 616 उतना या उससे कम उसी को लेकर लाइन बनाओगे ना, उससे अधिक तो जा नहीं सकते हो, मतलब 32 गुने एन जो है ये 616 से कम होना है। तो 616 से कम होने के लिए हमको हाईएस्ट क्या करना पड़ेगा, ये 616 और 32 दोनों के बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देना पड़ेगा। अगर दोनों के बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिए तो क्या होगा कि ये वाला जो कॉमन फैक्टर है ये इसमें हमारा आके रो निकल जाएगा, बाकी जो बच जाएगा तो वो रेस्ट रहेंगे, वो नहीं आएंगे इस ग्रुप में। तो हमको क्या निकालना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो क्या लिखेंगे, अधिकतम संख्या बराबर 616 और 32 का HCF कैसे निकालेंगे, सेम चीज अभी बताया ना, यहां पे यूज करना है इक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम। तो इक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार 616 को कितना लिखोगे, 32 गुने 10 कितना हो जाता है 320, 640 तो यहाँ पे आ जाएगा 19, बच गया 8 प्लस 8 ये आ गया, यानी क्या है 8 नॉट इज इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर कितना आ गया 8।
तो फिर क्या करोगे, ये जो 8 आया इससे जो 32 था, 8 गुने 4 प्लस 0, यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया, शेष बराबर 0, देयरफॉर ये 8 क्या आ गया, एचसीएल यानी महत्तम समाप्त वर्तक बराबर 8। तो स्तंभों की संख्या कितना हो गया, बराबर स्तंभों की संख्या। इतना ही आसान है। तो जब भी दो नंबर दिया हुआ हो और अधिकतम दोनों के बीच का कॉमन चीज निकालना है तो हम एचसीएफ निकालते हैं। इसलिए नाम भी है अधिकतम महत्तम समाप वर्तक, अधिक से अधिक कॉमन चीज, लघुत्तम समाप वर्त, मतलब मिनिमम कितना दोनों का मिला के हमारा ऐसा एक नंबर निकले जो दोनों से डिविजिबल हो सकता है, दैट इज द लघुत्तम समाप वर्त। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम चीज कर रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 1 के रूप में होता है। सेम चीज है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में माना धनात्मक पूर्णांक a, तो a को किस फॉर्म में करेंगे, तो हमको क्या दिया हुआ है 3m या 3m + 1 के रूप में होगा। तो यहां पे b जो है वही मानोगे जो दिया है, तो a को क्या लिख सकते हो तुम, 3q + r, यही लिखोगे ना। अगर a हम कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिए, a बराबर 3q + r, जहां पे r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3 होगा, यानी r बराबर 0 1 और 2, r बराबर 0 1 और 2, तो a को हम क्या लिखेंगे, 3q + 0, 3q + 1 और 3q + 2, यही बगल लिखते हैं 3q + 1 और 3q + 2। तो जब ये तीन चीजें आपको मिल गई, अभी आपको क्वेश्चन में दिया है कि वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3q² बराबर 9q² बराबर 3 × 3q² बराबर 3 × m, यानी m क्या है, कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक, 3 × 3q², ये कभी भी निगेटिव में हमारा नहीं आएगा। हम m को ही एक पूर्णांक ले लिए, m को ही एक पूर्णांक ले लिए, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक की यहां नहीं बात हो रही है, ओनली पूर्णांक है। दूसरा ए स्क्वायर, अब क्या तुम्हारे पास 3q + 1, 3q + 1 का स्क्वायर यानी 3q² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 6q यानी 9q² प्लस 6q + 1, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, 3 यानी 3q² प्लस 2q + 1, ये पोर्शन क्या आ जाएगा, कोई भी पूर्णांक होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3m + 1 लिख सकते हैं, इसको लिखे 3m+ के रूप में, इसको 3m + 1 के रूप में। तीसरा फंडा करो 3q + 2, तो इसको हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर 3q + 2 का स्क्वायर यानी 9q² 12q + 4, इस पूरा में क्या कॉमन हो जाएगा, तो यहां भी 4 है 12 है 9 है, कॉमन नहीं होगा, इसको एक लाइन और लिख, क्या लिखेंगे, 9q² 12q, 4 को क्या लिखेंगे, 3 + 1, अब देखो यहां से यहां में 3 कॉमन हो जाएगा, 3q² q + 1 + 1, ये पूरा क्या है, कोई एक पूर्णांक होगा m यानी 3m + 1, ये भी किस फॉर्म में आया, 3m + 1 3m + 1 3m + 1 और 3m, यानी हम क्या लिख सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग यानी अर्थात कोई धनात्मक पूर्णांक a का
वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। हो गया ना? तो इतना ही आसान तुम्हारा 10th का मैथ्स है, और ये सब सवाल 4 नंबर 6 नंबर में भी पूछ देता है। तो तुम्हारा क्वेश्चन अगर छूटेगा, इसका मतलब कि ठीक ढंग से स्टार्टिंग चैप्टर नहीं किए। एक बात और ध्यान में रखो, मैं अगले दिन बताऊंगा क्या करना है। एग्जाम का वेट नहीं करना है, रेगुलर उसी स्पीड से पढ़ना है जिस स्पीड से तुम एग्जाम के समय पढ़ने का प्रयास करते। चलो देखेंगे वो और हम क्या कर सकते हैं। ये तो समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन बच रहा है, क्यों छोड़े, क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज 1.1 खलास। तो 1.1 को खलास कर ही देते हैं, उसके बाद हम दूसरा टॉपिक में फिर अगला वीडियोस में जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हम पूरा नहीं बताएंगे, अभी हम थोड़ा बता रहे हैं, उसके बाद तुम लोग करके बताओगे बना या नहीं बना। अगर कमेंट्स आएगा तो हम फिर बताएंगे कभी, नहीं आया तो समझ लेंगे यू आर जीनियस कि मेरा 4 तक बताना सफल रहा, 5वां तुम कर लिए, क्योंकि बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा हम हिंट्स दे रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है कि यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 और 9m+8 के रूप में होता है। पहला वाला कुछ नहीं नॉर्मल था, दूसरा स्क्वायर या तीसरा घन है। तो पहले मान लोगे तो माना धनात्मक पूर्णांक ए है, तो यहां पे देखो दिया है कि क्यूब जब करोगे तो वो 9m, 9m+1 और 9m+8 होगा। तो ये 9m, 9m+1, 9m+8 करने के लिए भी तुम इसको 3 से ही भाग दोगे। ये चीज ध्यान रखना है कि 3 से ही भाग दोगे। तो ए को तुम क्या लिख सकते हो, बाय इक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार ए को क्या लिखोगे, 3q+r, सेम चीज r बराबर 0, 1, 2, यानी a बराबर 3, r के जगह 0 दोगे तो q, 3q+1 और 3q+2। अब आती है तुम्हारी बारी कि तुम यहां पे क्यूब करना है। तो पहला a क्यूब बराबर 3 क्यूब का क्यूब 27 क्यूब, यानी 9 × 3 क्यूब एंड 9 × m, ये कोई एक पूर्णांक हो गया। दूसरा का सेम फिर क्यूब करोगे या 3q+1 का क्यूब। तो यहां पे बच्चों याद रखना है कि तुम्हारा जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है a³ + b³ + 3ab × a+b, इसको यहां यूज करना है। यही थोड़ा सा क्लियर है। अब फिर उसको ये 9 का फैक्टर के रूप में ले आना है, यानी 3q³ + b³ + 3a, ये कितना हो गया 3q b a + a+b, यही ना, यानी 27q³ + 1 9q × 3q+1। अभी देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, 9 कॉमन होगा, यहाँ क्या बचेगा 3q³ + 9 कॉमन ले लिया, q × 3q+1 अंदर बच गया, और ये बाहर क्या बच गया 1। ये पूरा को क्या लिख पाओगे, ये पूरा को भी लिख पाओगे ना m, यानी एक कोई पूर्णांक है 9m, अब प्लस बच गया 1। तो एक ये फॉर्म आ गया कि ये फॉर्म आ गया। तीसरा तुम्हारे पास बचेगा 3q+2, इसका क्यूब करो, ये तुम्हारे भरोसे, ये तुम्हारा कितना आएगा 9m+8। और सेम तुम फिर लिख सकते हो कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब जो है, घन जो है, वो 9m, 9m+1 और 9m+8 के रूप में ही होगा। तो बच्चों तुम्हारा 1.1 मैं क्लियर कर दिया। और अगर अभी भी कुछ भी दिक्कत लगेगा कि नहीं थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो रही है, तो हमारा कमेंट्स बॉक्स में जरूर आके कमेंट्स कर देना, मैं तुमको फिर से बता दूंगा या कोशिश करूंगा कि किसी माध्यम से समझा दूं। और अगर अभी तक
YouTube चैनल CM Jha Academy को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन अगर ऑन करके रखोगे तो जैसे ही वीडियो डालेंगे तुम्हारे पास मिल जाएगा। लॉकडाउन चल रहा है याद रखना, तो लॉकडाउन में तुम्हारा सिलेबस पीछे होगा, बहुत पीछे हो जाओगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, जिसको सुविधा कम मिलती है, वो किसी भी माध्यम में पीछे रहे, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना तुमको, पढ़ाता अंग्रेजी मीडियम को हूँ। इंग्लिश मीडियम में आज 20 साल से पढ़ाते रहा, लेकिन पढ़े थे हिंदी मीडियम से ही। मालूम है हिंदी मीडियम के बच्चे को कितना तकलीफ होता है तैयारी करने में, समझने में, टीचर ढूंढने में, पढ़ने में और समाज का जलाल झेलने में। तो तुम किसी से कम नहीं हो, हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, ये मेरा मानना है, क्योंकि हिंदी मीडियम का बच्चा वो कर सकता है जो अंग्रेजी मीडियम का बच्चे में दम नहीं है। तो थोड़ा सा तुम लोग मेहनत करो, कोशिश करो, आगे बढ़ने का प्रयास करो, और हाँ, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, एग्जाम के भरोसे मत रहना कि जब परीक्षा आएगा पढ़ लेंगे, ठीक है। धन्यवाद, चलो अगला क्लास में फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे और 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहो। गुड लक।